मैंने पुलिस को बुलाया। पर बेटा पुलिस को क्यों बुलाया? क्योंकि मैं वेदिका की हत्या का केस फिर से रीओपन करवाना चाहता हूँ। लेकिन ध्रुव, अब ये सब करके क्या फायदा? हाँ बेटा, जो वेदिका का हत्यारा था वो तो खुद ही मर चुका है। अर्पिता के बाबा ने वेदिका की हत्या नहीं की, उन्होंने तो किसी के दबाव में आकर इस हत्या का जुर्म को अपने सर पे ले लिया, और असली कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। पापा, जब हम कुलदेवी की पूजा करने गए थे उस वक्त होटल में भी अर्पिता पे किसने कातिलान हमला करने की कोशिश की थी। और मैंने यही सब कुछ बताने के लिए पुलिस को यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वेदिका के हत्या के केस की फिर से नए सिरे से जांच हो। सही कह रहा है पुत्र, ऐसे मुजरिम की तो डेथ हो ही जानी चाहिए। रू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ध्रुव, तुमने वेदिका का केस रीओपन करवा के बहुत अच्छा काम किया। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी हमारी वेदिका को हमसे छीना है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ध्रुव, इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूं। कितना चालाक इंसान है, कितनी चालाकी और बेशर्मी से मेरे सामने वेदिका के हत्यारे को पकड़ने की बातें कर, और अब मुझे उसकी बांह पर लगी चोट का राज भी समझ आने लगा। वेदिका के हत्यारे तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, उसे रोकना होगा, मगर कैसे? अर्पिता, नहीं, वो बहुत कमजोर है और भावुक भी। इससे पहले कि ध्रुव मुझ तक पहुंचे का एक ही हाल है, ध्रुव को रास्ते से हटाना होगा, उसे भी वेदिका के पास भेज देना चाहिए। ध्रुव की भी जान लेनी ही होगी। क्या अर्पिता का एक नौकरानी की तरह इस कमरे में रहना अर्पिता के साथ नाइंसाफी नहीं है? मैंने अर्पिता को कभी वो दर्जा और हक नहीं दी जिसकी वो हकदार है। मैं अर्पिता के साथ और नाइंसाफी और ज्यादती नहीं कर सकता। मानता हूं कि मैं इसे अपनी जिंदगी में वेदिका की जगह नहीं दे सकता, वो प्यार नहीं दे सकता, पर उसे वो इज्जत तो दे सकता हूं। कितना कुछ सहा है अर्पिता ने, अर्पिता दादा। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा के नाम पर अभी कोई दोष नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है।
हाँ ध्रुव जी, यही सोचकर तो हमारी आंखें भर आई थी। यहां से तो खुशी के आंसू है। ध्रुव जी हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे पिताजी का मुकदमा फिर से खुलवाने का फैसला किया है। कम से कम पूरी दुनिया के सामने हमारे पिताजी निर्दोष तो साबित हो जाएंगे। और हमारे सर से भी एक हत्यारे की बेटी कहलाने का कलंक उतर जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बात सुनने से और मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द कातिल को उसके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। आज आपने हमारा हाथ थाम कर हमसे जो वादा किया है ना ध्रुव जी, उस वादे ने हमें बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। अब हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ये शिवम के मेरी बहन के साथ बिताए हुए कुछ पलों की तस्वीरें हैं। आपने ही शिवम की तस्वीरें मांगी थी ना? थैंक्स, चलता हूँ। रुद्र, आपसे एक सवाल पूछना था। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप शिवम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैं तो शिवम तक इसलिए पहुंचना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बहन की मौत से जुड़े हुए सवाल शिवम से जुड़े हुए हैं। पर आपका शिवम से क्या लेना देना है? इसी शिवम की वजह से मेरी जिंदगी में भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिस शिवम को आप ढूंढ रही हैं, जिसे तलाश कर रही हैं, वो मेरे ही घर में मेरे घर वालों के साथ रह रहा है। शिवम मेरे परिवार का हिस्सा कैसे बना, ये बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी है। इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी को, अपने परिवार को उस खतरनाक इंसान के भरोसे छोड़ के आए हैं? रुद्र, शिवम एक बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे तो बहुत डर है कि आपकी पत्नी निहारिका पर भी कोई खतरा ना मंडरा रहा हो। आपने कहा था ना कि आप और निहारिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रुद्र, जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम ने निहारिका को कोई धमकी दी हो और उसी धमकी के दबाव में आकर बेचारी निहारिका को शिवम को अपना जीवन साथी चुनना पड़ा हो? हो सकता, बल्कि मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। इसलिए मैं वहां शिवम के खिलाफ सारे सबूत लेकर जाना चाहता हूँ। नहीं रुद्र, इस समय आपको अपनी पत्नी और आपके परिवार के साथ में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सबूत इकट्ठा करते करते बहुत देर हो जाए। Thank you.
मुझे तो बहुत डर है कि आपकी पत्नी निहारिका पर भी कोई खतरा न मंडरा रहा हो। हाँ, नताशा ठीक कह रही थी। मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि निहारिका शिवम के साथ सुरक्षित भी है या नहीं। कहीं शिवम उसे निहारिका को फोन किया तो कहीं शिवम को मुझ पर शक ना हो जाए कि मुझे उसे घिनौने आती तो चेहरे के बारे में पता है और वो कहीं निहारिका के लिए खतरा न बन जाए। कौन हो सकता है वेदिका का हत्यारा? कौन हो सकता है जो अर्पिता के पिताजी को धमकियां दे रहा था? कौन हो सकता है जो अर्पिता को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? वो जो भी उसकी हर छोटी छोटी बात पर पूरी नजर और नजर कोई घर के अंदर रहकर ही रख सकता है। घर के बाहर रहकर इसका मतलब हत्यारा घर में ही है, मगर कौन है? ये देखिए ना ध्रुव जी, मस्ती किए जा रहा है, सो ही नहीं रहा। कृष्णा, क्यों मस्ती करते हो? इतनी मस्ती करोगे तो नींद कभी करोगे? ये कौन? इसको चोट लगी क्या? इसे चोट तो नहीं लगी, तो फिर ये खून कहां से आया? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अभी अभी शिवम भैया के पास से इसे लेकर आ रहे हैं। ध्रुव, वो कृष्णा को खिलाते हुए उसके खिलौने से उंगली कट गई। ध्रुव, कल सारी रात में सो नहीं पाया। वेदिका का कातिल कौन हो सकता है? बेचारी निहारिका तो उस दुख से अभी तक उभर नहीं पाई। हेलो, हाय, कैसे हो? रुद्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। तुम सुना, घर पर सब कैसे? सब अच्छे हैं, बल्कि तुम्हें बहुत याद करते हैं। निहारिका कैसी? लो, खुद ही पूछ लो। ये लो, बात करो। अरे, सोच क्या रही हो? रुद्र का फोन है, बात करो। अरे, सोच क्या रही हो? रुद्र का फोन है, बात करो ना। हेलो, निहारिका, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं जो भी बात करूं उस पर रिएक्ट मत करना, बस सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ निहारिका, मैं तुमसे अर्जेंट मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शिवम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन घर पर नहीं, मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, मंदिर पे आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। बाय बाय। अरे क्या हो?
फोन रख दिया? हाँ हूँ करने के अलावा और कोई बात नहीं थी क्या? उसने जरूर पूछा होगा कि तुम खुश हो या नहीं, हाँ, और तुम इसलिए हाँ हूँ, है ना? इसके अलावा और कोई जवाब भी तो नहीं था, है ना? रुद्र मुझसे क्यों मिलना चाहता है? और वो मुझे शिवम के बारे में क्या बताना चाहता है? क्या रुद्र को भी शिवम की सच्चाई पता चल जाएगी? पर अगर रुद्र मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी, मगर कैसे? शिवम हर पल मुझ पर नजर रखता है, वो मुझे अकेले नहीं जाने देगा। किसके बारे में सोच रही हो? रुद्र के बारे में? नहीं, मैं तो वो... कोई बात नहीं, होता है, भूलने में टाइम लगता है। और रुद्र तो तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, लेकिन जल्द ही भूल जाओगे। मैं मंदिर जाने की सोच रही थी, वो हर साल मैं शिव मंदिर में अभिषेक करवाती हूँ। जा, जरूर जा। ये पूजा बहुत शुभ होती है सुखी जीवन के लिए। तो मुझे क्यों बता रहे? मैंने कहा ना, जा, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं, तुम्हें पूरी छूट है, लेकिन अपनी हद में रहना, अपनी हद क्रॉस मत करना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और जब गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी कर बैठता हूं। जा।